नमस्कार। कोविड रिस्पांस टीम दिल्ली की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड की व्याख्यान श्रृंखला के क्रम में आज हम सभी को जगतगुरु श्री कांची कामकोटी पीठ पूज्य शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती जी का मार्गदर्शन मिलने वाला है। बच्चों को भारतीय सनातन संस्कृति की शिक्षा मिले, इसके लिए आपके प्रयास वंदनीय हैं। कांची कामकोटी पीठ की प्रेरणा और मार्गदर्शन में ऐसी किताबों का प्रकाशन किया गया है जिससे रामायण, महाभारत और वेद के पात्रों को बच्चे आसानी से पढ़ सके। पीठ द्वारा संचालित अनेक विद्यालयों में ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। पूज्य शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती जी से हम प्रार्थना करेंगे कि वो हम सभी का मार्गदर्शन करें। उल्लंघ्य सिंधु सलिलम सलिलम शोकबन्धिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिरांजनेयम् आंजनेयमतिपाटलालनं कांचनाद्रिकमनीय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननंदनं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज विश्व में महामारी बीमारी के वजह से एक अति संकट का स्थिति है, उसमें भी भारत में एक साल पहले भी ये कष्ट आया था। प्रजा का मेहनत से, सहयोग से, सरकार का सहानुभूति से इस संकट से विमोचन मिला। अभी इस संदर्भ में दोबारा कुछ संकट शुरू हुआ है, अति वेग से शुरू हुआ है, उससे विमोचन होना चाहिए, संकट से विमोचन होना चाहिए। इस संकट के विमोचन के संदर्भ में जो संकट मोचन हनुमान जी है उनका जो वाक्य है ये भी हमको स्मरण करना बहुत उपयोगी होगा। अनिर्वेद श्रियो मूलम, ऐसे वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी कहते हैं। दुख होता है, संकट होता है, फिर भी अपना जो मनोधैर्य है, मन में जो हिम्मत है वो छोड़ना नहीं, प्रयत्न मेहनत तो करना है। ये थे जीवंतम आनंद नरम वर्ष शता नबी, जो प्रयास करने वाला व्यक्ति है, जो विश्वास के साथ मेहनत करेंगे उसको फल मिलेगा ही, सफल होंगे। एक साल पहले का संकट में अनेक भाषा, अनेक प्रांत के लोग भी सहमत के साथ, एक ऐकमत्य के साथ काम किया, उसका परिणाम भी अच्छा अनुकूल मिला। वैसे अभी जो संकट है उससे विमुक्ति के लिए, संकट निवारण के लिए, संकट विनाश के लिए दो प्रकार का कोशिश जरूरत है। एक तो प्रार्थना मंत्रों के द्वारा, स्तुति के द्वारा, हनुमान चालीसा के द्वारा अपने सदाचार नियम पालन के द्वारा एक प्रकार का, दूसरा जो अपना आयुर्वेद है, जो नए जो चिकित्सा पद्धति है, पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति है उसका उपयोग से, ऐसे दोनों प्रकार के
सहायता से इस संकट से विमोचन होगा। इसमें धैर्य का भी आत्मविश्वास का भी एक स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। राम जी ने युद्ध किया, रावण को पराजय किया, विजय प्राप्ति हुआ। इस बीच में सीता जी का आत्मविश्वास बढ़ाने का भी जरूरत था। शिमशपा वृक्ष पेड़ के नीचे जो बैठी थी तब अशोक वाटिका में, तब हनुमान जी जाकर के आत्मविश्वास का प्रस्तावना किया, सूर्य वंश के बारे में स्तुति किया, जो मधुर वाणी ने सुना सीता देवी ने, तब सीता देवी के मन में जो भाव था, मतलब अपने शरीर भी छोड़ देंगे ऐसे तक वो चले गई, उसको रोका हनुमान जी ने, मतलब आत्मविश्वास का उत्पादन किया। इसलिए आत्मविश्वासन का संदेश हनुमान जी ने दिया है इस देश में, इसलिए अपने जीवित को रखा था सीता देवी ने। राम जी जाकर के बाद में युद्ध में जय प्राप्ति होने के बाद सीता राम जी का संगम हुआ। इसलिए जो धैर्य है, आत्मविश्वास है, थोड़ा रुकावट हो तो भी, थोड़ा संकट हो तो भी, संकट से हम बाहर आ सकते हैं, आएंगे, ऐसे करके व्यक्तिगत विश्वास भी जरूरत है, सामूहिक दृष्टि से उस माहौल बनाने का भी जरूरत है। जैसे भगवद गीता में क्लैब्यम आस्म गमः पार्थ नैतत्वै उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, ऐसे कृष्ण परमात्मा जी ने अर्जुन को उपदेश दिया है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। जो हृदय में अपने संकल्प में जो दौर्बल्य है, मतलब जितना धैर्य चाहिए उसमें जो कमी है उसको दौर्बल्य बोलते हैं, दुर्बल जो स्थिति है उसको छोड़ना, वो विश्वास के साथ धैर्य के साथ उठो, ऐसे उत्तिष्ठ परंतपा नहीं तो त्वयि उपपद्यते। जो अर्जुन है, महावीर है, ये आप में ये उचित, आपको ये उचित नहीं है, ऐसे कृष्ण परमात्मा जी बोलते हैं। ऐसे भारतीय समूह आज के संदर्भ में प्रयत्न भी करना, मेहनत भी करना, प्रार्थना भी करना, उसके साथ साथ सबसे पहले धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ, समाज के प्रति, सरकार के प्रति, सत्संग के प्रति विश्वास रखकर के इस अवांतर प्रणय जैसे ये है, ये स्थिति है, उससे बाहर विमोचन के लिए पूर्ण, मतलब समग्र मेहनत के साथ, कोशिश के साथ ये प्रयास होना चाहिए। आज के संदर्भ में बहुत लोग बहुत सेवा कर रहे हैं, सरकार हो या व्यक्तिगत लोग हो या संस्थाएं, स्वच्छंद संस्थाएं, सब ऐसे बहुत काम कर रहे हैं, उसका परिणाम स्वरूप प्रगति भी हम देख रहे हैं। विदेश के लोग भी वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टि के अनुसार बहुत
मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। प्राणेश्वरी प्राणदात्री प्राणदा प्राण रूपिणी ऐसे ललिता सहस्रनाम में कहा है। जैसे भगवती देवी का श्री कामाक्षी देवी का अनुकंपा से लोगों को स्वास्थ्य जीवन होना, दीर्घायु होना, बीमारी दूर होना, बीमारी से मुक्त होना, स्वास्थ्य भारत के लिए और विश्व में भी स्वास्थ्य होने के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये धर्म का संदेश है। इसलिए भाषा और प्रदेश उससे संकुचित भाव से, मतलब नियमित देशभक्ति जरूरत है, देशभक्ति के साथ साथ विश्व शांति के लिए भी हमारा प्रार्थना चाहिए। लोग जिस भूखंड में जिस प्रदेश पे निवास करने वाला व्यक्ति हो, जिस प्रकार का विश्वास का भी वो अनुसरण करने वाला हो, जो भी हो, मानव मात्र कल्याण के लिए अभी सब लोग एक मत होकर के संगच्छध्वं संबदध्वं समानीव आकूति समाना हृदयानि वः, ऐसे विश्व शांति के लिए हमारा प्रयास हो। बहुत संकट से अभी तक अपना इतिहास में भारत बाहर आया है। वैसे देशभक्ति के साथ, ईश्वर भक्ति के साथ, सदाचार सत्संकल्प के साथ इस समस्या से भी बाहर आकर के विमोचन प्राप्ति करके बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुमस्मरणाद् भवेत्। ऐसे हनुमान जी का जो अपने आदर्श भगवान है, सेवा का प्रमुख रामदूत है, उनका संदेश के साथ अपने भारत का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, सब लोग सुखी रहे, उस दृष्टि के साथ सब लोग सत्संकल्प के साथ काम करना। हर हर शंकर, जय जय शंकर। हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड की व्याख्यान श्रृंखला के क्रम में आज हम सभी को प्रख्यात कलाविद एवं पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर सोनल मानसिंह जी का मार्गदर्शन मिलने वाला है। बीते कई दशकों से भारतीय नृत्य को देश विदेश में गौरव प्रदान करने वाली सोनल मानसिंह नृत्य और कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आपसे अनुरोध है कि हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड की व्याख्यान श्रृंखला में हम सभी को संबोधित करें। प्रणाम करती हूं, नमस्कार करती हूं सभी दर्शकों को। आज हम लोग मूक दर्शक बन के नहीं बैठे हैं, हम, मैं और काफी सारे लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सभी इसी बैटल में, एक युद्ध में लगे हुए हैं। और ये युद्ध एक आसुरिक मायावी शत्रु के सामने है, जिनकी बातें हमने अपने रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत वगैरह में सुनी थी। श्री देवी भागवत लगता है कि आज वो प्रत्यक्ष हो रहा है। अरे मैं स्वयं उठी हूं, अभी अप्रैल 8 को मेरा रिपोर्ट आ गया। उसके पहले 2-3 जगह बाहर जाना पड़ा था और ये एयरबॉर्न है। आमने सामने वाला गया पिछले वर्ष, इस वर्ष वाला भयानक है। हवा में तैरता तैरता कब आपके शरीर में घुस जाता है पता नहीं चलता। तो उस वक्त मैं बिल्कुल निस्सहाय असहाय
और मेरे साथ जो काम करते हैं घर में उनको भी दो तीन दिन में हो गया, उनको पीछे भेज दिया। घर में मैं बिल्कुल अकेली, और ये मेरे फेफड़ों में चला गया था। मैं ज्यादा इसका वर्णन इस बीमारी का नहीं करूंगी कि किस तरीके से रात रात भर बैठ के लगता था कि जैसे अंतड़ियां मुंह से बाहर निकलेंगी, इतनी खांसी, इतना फ्लेम ऑल द टाइम, रिब ब्रेकिंग, अलोन। गर्म पानी किया, पानी भर दिया, कुछ पड़ा है खा लिया, नहीं पड़ा है नहीं खाया। आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू कि ऐसा क्या हुआ कि जिससे मैं इससे उभर के बाहर आई। बताती हूं कि कुछ दिनों, कुछ क्षण मुझे ऐसे भी लगे कि टपकी, मैं टपकी, आई किक द पकेट आउट। जी, मुझे मेरे एक्सीडेंट वाले दिन याद आए, 1974-75, 1974-75, प्लास्टर कास्ट, रिब्स ब्रोकन, ऑल ब्रोकन। और उस वक्त जो होता था कि मनी मन में आप लड़ते हो कि क्यों मुझे ये हुआ, तो क्या चाहती है माँ, मैं अकेली बैठी हूं, तू देखती नहीं है। तो ये जो बारी बारी से मन में तरंग उठते हैं, गुस्सा आता है, निसहाय, निराशा, हताशा, और शरीर आपका जवाब दे रहा है, ऐसा लग रहा है सांस नहीं निकल रही, उसमें ऐसी कौन सी नैया और इसकी खेवैया कौन जो मेरी पतवार को मझधार से बवंडरों से बचा के किनारे ले आया। मेरी अपनी कला। मैं मानती हूं कि सभी के मन हृदय में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, चाहे कोई गीत है, कोई सुभाषित, कोई दोहा, कोई श्लोक, कोई सिनेमा का गाना, कोई नाटक देखा है, कुछ पंक्तियां कहीं की। और उस वक्त यदि मैं अपने आप को मजबूत करके ये ना करती तो मुझे लगता है कि मैं भी शायद निराशा के समुद्र में डूब रही होती। किसने मुझे हाथ पकड़ के बाहर खींचा है, तो मैं कहती हूं उस कलाओं ने जो सभी में है। तो आप हताश नहीं हो, आप निराश नहीं हो, सभी में वो गुण हैं। फिर मैं आपको ये कहूं कि जो हमारे पास है उसको हम साझा करें, शेयर करें, कुछ सुंदर बातें, कुछ याद ऐसी सुंदर, कुछ पेड़ पत्ते पौधे फूल की बात, कुछ इंद्रधनुष रेनबो की बात। आप कहेंगे कि अरे बीमार पड़े अभी, तो मैं बता रही हूं, आई माई सेल्फ हैव कम आउट अलोन, नो वन टू अटेंड ऑन मी फ्रॉम दिस, एंड नो वन मीनिंग नो वन ह्यूमन, ओनली पराशक्ति, जगदम्बा, द डिवाइन मदर। तो जिसका जो मन करे, किसी का ध्यान करो, क्योंकि ऐसी शक्ति है। और दूसरी बात कि यदि आपका काम इस पृथ्वी पे हो चुका है तो जाना पड़ता है, और नहीं हुआ है तो कितने भी आप बीमार हो, मृत प्राय हो, नियरिंग डेथ, एंड यू आर सेव्ड। तो जो हम फिलसफी सुनते हैं, भगवद गीता के श्लोक को कोट करते हैं, उपनिषद की बात करते हैं, अब काम आनी चाहिए, आती है। और मैंने कुछ ऐसी बातें आपके लिए लिखी हैं कि आई वॉज ब्रोकन, मैं टूट गई थी, और ये कई बार हुआ है, इस बार तो बिल्कुल टूट गई। आई थॉट आई विल डाई, मुझे लगा मैं मर रही हूँ। आई थॉट आई एम ड्राउनिंग, मुझे लगा मैं डूब रही हूँ। एंड देन आई केम आउट, हियर आई स्टैंड। जीवन में बहुत झेला, बहुत सहा है, बहुत उतार चढ़ावों से मैं गुजरी हूँ, और ये जो उतार था तो बिल्कुल गर्ता में, कि ये आसुरिक मायावी, ये दानव महामारी मुझे खींच के ले जा रही है। लेकिन कुछ काम बाकी है,
बची हूं, आप भी बचे रहेंगे. पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड, प्रेयर, एक सकारात्मक विचारों को ले आना. अपने मन को दलो, नहीं होने दूंगी, मेरा काम अभी बाकी है. अपने मन पे कंट्रोल लाना पड़ेगा, चाहे कितने बीमार हों. तो हताशा दे देना नहीं, नो 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 नो, ये मानव मनुष्य का काम नहीं है. तो यदि मैं कर सकती हूँ, आप सब कर सकते हैं. पॉजिटिविटी, अनलिमिटेड, असीम आशा, असीम सकारात्मकता. पॉजिटिविटी अनलॉक्ड, ये ताला खोल दो और पॉजिटिविटी को बहने दो, अपने आप में समालो. पॉजिटिविटी अनलीश्ड, अनलीश्ड का मतलब है जैसे बाढ़ आती है, तो सकारात्मकता की, आशा की, प्रार्थना मयता की, मंगल कुशल मंगलता की बाढ़ आने दो, और उस बाढ़ में ये सारा जो गंध है, जो काला है, वो धुल जाएगा. अनलीश दैट. तो मेरा यही कहना है आपसे. कह कहूँ कहने वाली तो मैं कौन होती हूँ, मैं तो मात्र इतना कहती हूँ कि मैं डांसर हूँ, मैं नृत्यकार हूँ, मैं कलाकार हूँ. जीवन जीने की कला मुझे कलाओं ने सिखाई है, जीवन जीने की कला, और उसी से मेरी नैया, जिसमें मेरी माँ खेवैया है. मैं तो मात्र बह रही हूँ, कहीं भंवर है, कहीं मझधार में है, लेकिन वो नाव, वो नैया, वो मैया, वो जो पतवार को ले आती है किनारे, सभी की नैया किनारे लगनी ही है. तो ये इसी बात में मेरा कहना है कि मैं वो चिराग हूँ जिसकी रोशनी हजारों बवंडरों पे भारी है, और हम सब वो चिराग हैं. वी आर ऑल दैट, वी ऑल हैव लैम्प, वी ऑल हैव लाइट विद इन अस. वी ओनली हैव टू सी इट, रिकग्नाइज इट, फील इट, और अपने शरीर को तेजोमय बलवान बना के रखना है, कुछ भी हो जाए. मेरी तो यही प्रार्थना है, मेरी यही प्रार्थना है. और मैं आप सबके लिए बहुत ही कुशल मंगल का अभिवादन तो करती हूँ, शुभेच्छा तो देती हूँ, और मुझे यकीन है वी विल कम आउट ब्राइट. हम जीतेंगे, दुश्मन कभी नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता, नहीं जीतेगा. प्रणाम करती हूँ, नमस्कार.